हे गाइस नमस्कार जूले वेलकम टू काइट्स हिमाचल स्टडीज। आज हम चैप्टर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश के मॉडर्न ट्राइब्स में लाहौल एंड स्पीति जिले का जिक्र जरूर होगा और यहाँ के ट्राइब्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, लाहौल स्पीति में जूले का मतलब होता है नमस्ते। तो आप सभी को जूले नमस्ते। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं, आप इसे शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। एंड मैं आपको बता दूं कि यदि हम इस चैप्टर को वन गो में अगर कंप्लीट करते हैं सभी जितने ट्राइब्स हैं, सो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग तकरीबन 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इस चैप्टर को हम सब पार्ट्स में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वीडियो हम गुजर और गद्दीज और ट्राइब्स को कवर करेंगे इस तरह से जितना भी पॉसिबल होगा, थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ में, क्योंकि अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको लर्न करने के लिए भी कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है। तो इस करके मैंने डिसाइड किया कि इसे मैं छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में। तो यदि हम देखें तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं गुज्जर्स, गद्दीज, किन्नौर्स जिनको किन्नर्स भी कहा जाता है, लांबाज, खांपास, भोट्स, जाट्स, लाहौलाज, पंगवालाज एंड सुआंगलाज के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भौगोलिक अगर क्षेत्र की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में से हम देखें तो लगभग आपका 40 से लेकर 42.6% तक जो एरिया है वो आपका ट्राइबल पीपल के द्वारा कवर्ड है। एंड पॉपुलेशन की अगर पॉपुलेशन में अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपके 4.2 से लेकर 5% तक जो शेयर है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या में वो है जनजातीय जनसंख्या का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजरली हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में 3 ही ऐसे जिले हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन वास करती है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर विच इज हैविंग एरिया 64,101 किलोमीटर स्क्वायर, जो तकरीबन आपका 11.50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बनता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा की अगर बात करें, टोटल एरिया 6,528 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर हम ट्राइबल अगर देखें कि कितना, अगर हम देखें सॉरी टोटल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो लगभग 11.70% डिस्ट्रिक्ट चंबा। देन लाहौल एंड स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और देखें तो 13,835 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका, जो लगभग 24.85% बनाता है टोटल हिमाचल प्रदेश के जियोग्राफिकल एरिया का। तो हम देख सकते हैं कि मेजरली जो एसटी पॉपुलेशन है वो इन्हीं 3 जिलों में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, और इन्हीं को ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी है, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट को पूरा नहीं है, बट चंबा का जो पांगी भरमौर एरिया है दैट इज शेड्यूल ट्राइब भरमौर एरिया बेसिकली। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुआंगला ट्राइबल पीपल की। तो सुआंगला दैट इज इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति, तो ये एक शेड्यूल ट्राइब है और मेनली इनका जो वास है वो कहां पर है, पटन वैली में, और पटन वैली को ये आपका गंगोई वैली भी कहा जाता है। एंड दिस वैली इज क्वाइट फेमस फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। एंड पोटैटो कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले 1857 में जो मोरेवियन मिशनरीज थे मिस्टर एंड मिसेस ए डब्ल्यू हाइट, उनके द्वारा यहां पे जो है पोटैटो इंट्रोड्यूस किया गया था। और यदि हम हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला में अगर पोटैटो कल्टीवेशन की बात की जाए तो वहां पर चार्ल्स प्रेट केनेडी वॉज द अर्लियर असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट, ठीक है, तो उनको जो है आपका दाता माना जाता है जिसको जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। और नेक्स्ट हम अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे जो ज्यादा प्रोडक्शन वाला जिला है आलू की खेती का, पैदावार कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। और यदि हम अगर देखें कि पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर पूछें आपसे तो दैट इज नॉट इन ऑनली इन हिमाचल प्रदेश, तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में अगर हम देखें आलू की खेती में तो लाहौल वैली पूरे वर्ल्ड में इज क्वाइट फेमस। एंड किसी समय इसने जो है नीदरलैंड को भी पर हेक्टेयर पॉपुलेशन में पछाड़कर इट वॉज ऑन द फर्स्ट प्लेस, एंड आई थिंक राइट नाउ भी फर्स्ट प्लेस पे ही होगा, ठीक है। और पटन वैली की अगर हम बात करें तो ये तांडी में चंद्रा और भागा दोनों नदी आपस में मिलती है, और तांडी के बाद ये आपका चंद्रभागा नदी बनती है, और इसी को चिनाब भी कहा जाता है। और इस चिनाब और चंद्रभागा नदी के द्वारा जो वैली ड्रेन होती है उसे कहा जाता है पटन वैली, जिसे आपका आपके जो गंगोई वैली के नाम से भी जाना जाता है। और तांडी से आपको मैं बता दूं, तांडी का संबंध जो हडिम्बा के भाई माता हडिम्बा के भाई जो तांडी थे उनसे है, ठीक है। और तांडी में ही ऋषि वशिष्ठ ने अपनी देह छोड़ी थी, और तांडी में ही सॉरी ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया था और द्रौपदी माता ने देह छोड़ी थी। तांडी में ही चंद्रा और भागा ने आपस में संगम करके वहां पर जो है विवाह सूत्र में बंधे थे। तांडी का ही संबंध आपका राजा चांद से है, और तांडी का संबंध आपका जो तांडी हिडिम्बा के भाई तांडी, तो माना जाता है जैसे कि तांडी की जो लड़की थी उसकी शादी हुई थी महाभारत के जो विदुर थे उनके साथ, और उनके 2 बेटे हुए मुकुर और भोट। तो मुकुर ने तो मकरस नाम से उस समय कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, और भोट ने जो है रोहतांग दर्रा पार करके जो है तिब्बती भोट राज्य की स्थापना की थी। ये सभी आपको याद रखना है।
और अगर हम बेसिकली जनरली हम बात करें अगर स्वांगला जो जनजातीय लोग हैं उनकी अगर बात करें तो बेसिकली ये ब्राह्मण और राजपूत हैं। और अब इनके ओरिजिन की अगर बात करें कि किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ, कहां से ये आए, तो तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय जो है जो बुद्धिस्ट पीपल थे उन्हें जो है ड्रोम आउट किया गया था, ठीक है, उन्हें पहाड़ों की ओर आना पड़ा और वो सबसे पहले सेटल होके कहां के कौन से रीजन में, स्वान रीजन में आए थे और यही स्वान रीजन आज प्रेजेंट में क्या, वर्तमान में क्या बन गया, स्वांगला बन गया, ठीक है। ये भी इनका एक इतिहास में कि इस तरह से ट्रेस, इनकी हिस्ट्री ट्रेस की जाती है और ये भी माना जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से आए, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जो सांगला वैली है, क्योंकि सांगला रीजन कहीं ना कहीं सांगला स्वांगला इस तरह से मैच करता है, क्योंकि जैसे कि क्योंकि सांगला वैली आपका देखें आपको छितकुल विलेज की अगर बात करें 3470 मीटर की हाइट पर है, तो दैट इज वेरी क्लोज टू द इंडो तिब्बतन बॉर्डर की अगर बात करें तो तिब्बत राज्य का बिल्कुल पास में होने के कारण तिब्बती राज्य का भी इस वैली पर हमेशा आक्रमण होता रहा, कब्जा होता रहा। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो ये बुद्धिस्ट पीपल थे तो वो सांगला वैली से जब तिब्बत का कब्जा हो गया तो उसके बाद वे जो है स्वांगला रीजन जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में वहां पर आकर बस गए, तो ये भी इतिहास माना जाता है। तो ये तथ्य है जो इतिहास से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें अगर भाषा की, अगर हम बात करें भाषा में अगर देखें तो मंचद भाषा बोली जाती है स्वांगला रीजन के पीपल के द्वारा, जनरली ब्राह्मणों राजपूत और स्वांगला के द्वारा बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि स्वांगला में हमने देखा कि ब्राह्मण राजपूत हैं, तो मंचद भाषा बोली जाती है जो तिब्बती और हिंदी भाषा दोनों का ही वो संगम है, ठीक है। चिनाली भाषा जो जनरली यहाँ पे सिप्पी और लोहार लोगों के द्वारा बोली जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चिनाली किस किन के द्वारा बोली जाती है। भोटी लैंग्वेज, तो भोटी लोग भाषा जनरली जो बौद्ध पीपल है उनके द्वारा बोली जाती है। तिनान भाषा की अगर बात करें जिसे तिनंत भी कहते हैं, तो ये जो सिसु एरिया है वहां पर ही बोली जाती है। जैसे ही आप अटल टनल क्रॉस करके लाहौल स्पीति के जो नॉर्थ पोर्टल पे आप एंटर करते हैं तो नॉर्थ पोर्टल से लगभग 4-5 किलोमीटर अवे सिसु बहुत सुंदर जगह आती है जहां पर हेलीपैड भी है और सिसु गांव में ही आपका गेफांग देवता का मंदिर भी है। तो ये सिसु एरिया, भी सिसु एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तिनान और तिनत, ठीक है। फूड हैबिट्स की अगर हम बात करें स्वांगला पीपल की, तो चिलड़ा और नॉन वेजिटेरियन भी है, चिलड़ा खाते हैं, रोंगी मसूर एडिबल रूट्स ट्यूबर जो भी है ये खाते हैं। लोकल ड्रिंक की अगर बात करें तो छोंग होती है जो जनरली आपकी या तो जौ या गेहूं इस तरह से बनती है, ठीक है, वन एक राइस से भी बनती है उसे लुगड़ी कहा जाता है। अगर हम मेजरली देखें तो पोटैटो यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर उगाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन का श्रेय किसे दिया जाता है, जर्मन पोप एडब्ल्यू हाइड जो मोरेवियन मिशनरीज थे, ठीक है। स्मोकिंग की अगर बात करें तो स्मोकिंग जिसे हबल बबल कहा जाता है और इन्हीं के ही लोकल डायलेक्ट में से जो है हुक्का हुक्का एंड झजड़ी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि हुक्का और झजड़ी किसकी फॉर्म है, तो इट्स स्मोकिंग फॉर्म। तो जनरली क्योंकि अदर ट्राइब्स में भी हम स्मोकिंग के बारे में पढ़ेंगे हुक्का झजड़ी। अगर हम इनके सामाजिक रीति रिवाजों की अगर बात करें, सोशल कस्टम्स की बात करें, तो स्वांगला जो शब्द है वो जनरली ब्राह्मणों राजपूत और राणा के लोगों के लिए जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहां पे मेन लेन पटन वैली, दिस पटन वैली इज आल्सो कॉल्ड एज गंगोई वैली, ठीक है। और स्वांगला ब्राह्मण है क्योंकि हमने देखा कि ब्राह्मण राजपूत है तो ब्राह्मणों को पंडित भी कहा जाता है और उनमें जनरली ब्राह्मण पहले आता है, उसके बाद ठाकुर है, उसके बाद राणा का स्टेटस है। और इन्हीं स्वांगला पीपल के दो और ग्रुप भी है जिन्हें गारो और मुंद्रो कहा जाता है, बट जनरली गारो और मुंद्रो जो ये गारो मुंद्रो जो टू ग्रुप्स हैं जनरली ये माना जाता है क्योंकि जनरली ये एंडोगेमस हैं। अगर हम इनका मैरिज सिस्टम देखें, एंडोगेमस मीन्स मी कि अपने समुदाय में ये जो अपनी जाति में ये शादी करते हैं, जो है अपनी जाति से बाहर शादी नहीं करते, हाइपरगेमी इज नॉट अलाउड। बट अगर कहीं ना कहीं अगर हाइपरगेमी हो भी जाती है तो उस समय उस केस में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें गारो और मुंद्रो के नाम से पुकारते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगेमस आर कॉल्ड मुंद्रो एंड गारो जब जो है अपनी जाति से बाहर शादी की जाती है। अगर हम देखें मेरे फॉर्म्स ऑफ मैरिज, क्योंकि मैरिज फॉर्म्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आप एचपी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देखें, तो दोनों में ही जो आपके ट्राइबल पीपल के मैरिज सिस्टम से क्वेश्चन वहां पे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। किन्नौर के लोगों के ट्राइबल पीपल है वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलरली लाहौल एंड स्पीति से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वांगलास की थ्री फॉर्म्स ऑफ मैरिज है, इसमें लव मैरिज को रुसते ब्याह कहा जाता है। अगर कैप्चर मतलब जोर जबरदस्ती जो शादी होती है उसे कुआ ब्याह कहते हैं, या मजमी ब्याह जिसमें क्या होता है कि यूजली लड़की की जो बहन है वो दुल्हन को लाने के लिए जो है उसके लड़की के घर जाती है और उसे लाती है, दिस इज कॉल्ड मजमी ब्याह। तो जनरली आपको आपसे ये नहीं पूछेंगे कि लव मैरिज या कैप्चर है, पूछ भी सकते हैं तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, बट जनरली आपसे ये पूछेंगे कि रुसते ब्याह कुआ ब्याह मजमी ब्याह
किस जनजाति जो जनजाति है उसमें जो ये शादी के प्रकार है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टफ करना हो उसके तो आप वो ये बोल सकते हैं कि मजहबी में क्या होता है, कि फॉलोइंग आर द ऑप्शन, कि बॉय की भी बॉय लड़का जो है अपनी बहन को भेजता है, या हार के शहार करके लाता है, शादी चुरा के लाता है, लव मैरिज की फॉर्म है अगर, या अरेंज मैरिज की फॉर्म है, तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, ठीक है, भातृत्व पॉलीएंड्री जिसे कहा जाता है, बहुविवाह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वन वाइफ होगी, अगर तीन भाई है तो तीन भाइयों की क्या होगी, ओनली वन वाइफ होगी। अगर तीन भाई से ज्यादा भाई है, चार भाई है, तो फिर एक और शादी की जाएगी, ठीक है, तब दूसरी पत्नी ले जाएगी, अदरवाइज तीन भाइयों की पत्नी एक ही होगी। सो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है यहाँ पे, बहुपति, क्योंकि वन वाइफ है और उसके तीन पति हैं, तो पॉलीएंड्री होती है। वन इज पॉलीगेमी, जिसमें बहुपत्नी होती है, पत्नियां ज्यादा होती है। नाउ सो गाइस, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो नोट्स हैं, ये ऑलरेडी 2016 के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, एंड इन नोट्स में आपका जो जगमोहन सिंह बलोकड़ा है, द फेमस बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल दर्पण, हिमाचल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बाय देवराज शर्मा, ठीक है, वो वॉज द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एंड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, मेया गोवर्धन सिंह, तो इन सभी के नोट्स ऑलरेडी, ये सब कुछ कंबाइन करके आपके साथ, आपके लिए है ये, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको एक्सप्लोर करते रहना है, क्योंकि कभी भी जनरल नॉलेज इज नेवर सफिशियंट, कि कभी भी आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं वो आपसे कल दिन आपसे क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छेती। तो छेती एक तरह का एक मनी वैल्यू है जो दुल्हन को दी जाती है, ठीक है, छेती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के और भी शब्द आते रहेंगे, जैसे हम ट्राइबल पीपल में आगे जाते जाएंगे, तो छेती कहीं पे ये जो है आपका कुछ और नाम से जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ कस्टम्स। तो जन्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज है उसमें एक 36 आता है, 36 प्रथा है। तो ये कब सेलिब्रेट की जाती है, जब 6 महीने बाद, जब नवजात जो नवजन्मा शिशु बच्चा होता है उसे जो है पहली बार जब अनाज खिलाया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, जिसे अन्नप्रशन सेरेमनी भी कहा जाता है, तो उसे स्वांगला के लोग किस नाम से पुकारते हैं, 36 सेरेमनी होती है आफ्टर 6 मंथ्स ऑन। और जैसे ही 1 साल कंप्लीट कर लेता है बच्चा, तो कौन सी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, इट्स क्रमोग या फिर इसे कृतरिक्ति कहा जाता है, ठीक है, ये सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। और फिर देखें कि अगर एडोलेसेंट एज जब मैजर प्रवेश करती है फीमेल, तो उस समय की जो सेरेमनी होती है उसे नंचेत कहा जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम डाइवोर्स की अगर बात करें, तलाक हो जाता है जब दो लोगों के बीच में, तो इस रस्म को, उस तलाक की रस्म को क्या कहा जाता है, तसुद थवाकची, जिसमें क्या होता है, एक पतले से धागे को जो है तोड़ दिया जाता है, और यह माना जाता है कि उन दोनों का जब जिनका तलाक होना है, आपका तलाक कंप्लीट हो चुका है, अब आप दोनों अलग अलग रह सकते हैं। और तलाक होने के बाद क्या होता है, तलाक होने के बाद यदि औरत अपनी शादी जो है किसी दूसरे हस्बैंड से कर लेती है, ठीक है, तो उस दूसरे हस्बैंड को जो है, जो पहले वाला हस्बैंड था उस औरत का, उसे जो है मनी के पैसे के रूप में कुछ पैसे देने पड़ते, जो फॉर्म होती है इज्जत की फॉर्म, ठीक है, इज्जत की फॉर्म होती है, वो देना पड़ता है। तो इज्जत इज अ वैल्यू ऑफ मनी टू द अर्लियर हस्बैंड फ्रॉम द न्यू वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ कस्टम्स की, अगर बात करते हैं, ठीक है, मृत्यु से संबंधित जो रीति रिवाज है, तो रीति मृत्यु के बाद जब जैसे पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, पगवांड सेरेमनी होती है जो प्रथा है, तो इसमें जो है प्रॉपर्टी का डिवीजन जो है कैसे किया जाता है, बिल्कुल इक्वली वो डिवाइड की जाती है सभी में। और अगर हम कम्युनिटी, जैसे हम प्रॉपर्टी डिवीजन में ही हमने जैसे अपना हमने खशास के बारे में पढ़ा था, तो जैसे प्रॉपर्टी डिवीजन का होता है कनिष्ठांग ज्येष्ठांग, तो ज्येष्ठांग मीन्स बड़े बेटे को जो बंटवारा होता है, ठीक है, जो आपका संपत्ति का हिस्सा होता है, कनिष्ठांग मीन्स छोटे बेटे को। और कम्युनिटी काउंसिल की अगर बात करें, तो कम्युनिटी काउंसिल में जो काउंसिल का हेड होता है जनरली उसे सेना कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सेना शब्द जो है ओल्ड पीपल के लिए यूज किया जाता है, विच हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, उन्हें सेना कहा जाता है। और उसकी मदद कौन करता है, 4 लोग और करते हैं, दिस इज द कम्युनिटी काउंसिल ऑफ स्वांगला पीपल। और जनरली कम्युनिटी काउंसिल का मेन काम क्या होता था, कि जनरली जैसे कोई भी अगर इन कम्युनिटी में कोई झगड़े पैदा हो जाते, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई और झगड़ा हो जाता है किसी की संपत्ति, तो इस सब के ऊपर डिसीजन कौन लेता है, काउंसिल हेड, ठीक है, कम्युनिटी काउंसिल, विच इज हेडेड बाय सेना एंड 4 अदर्स। रिलीजन की अगर बात करें, धर्म की अगर बात करें, तो स्वांगला लोग अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए उनके घर में एक अलग से कमरा बना होता है, उसे कहा जाता है मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है, मान। सो मान इज बेसिकली अ रूम विच इज यूज फॉर वर्शिपिंग देयर एंसेस्टर्स। अगर हम बात करें तो मंदिरों की अगर बात करें, तो 2 मुख्यतः मंदिर हैं,
जिनको सौंगला लोग मानते हैं, त्रिलोकीनाथ मंदिर एंड सेकंड वन इज बिरला देवी मंदिर उदयपुर में। चलिए त्रिलोकीनाथ मंदिर की अगर हम बात करें, सो गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ बीच में कि आपको मैं बता दूं कि मेरा ही गाइड्स हिमाचल गाइड्स एडवेंचर लेंस के नाम से भी यूट्यूब पर चैनल है एंड इसमें मैं एडवेंचर करता रहता हूँ। तो उस एडवेंचर में मैंने त्रिलोकीनाथ मंदिर के बारे में, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी विजिट किया है, तो उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे डिटेल में हिस्ट्री बताई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हिमालय के जितने भी ब्यूटीफुल प्लेट्स हैं प्लेसेस हैं उसके अपडेट्स भी आपको मिल सके। तो भी थोड़ा सा क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जितना आप बुकिश नॉलेज को आप प्रैक्टिकल में जब यूज करते हो कि ठीक है आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं त्रिलोकीनाथ गया तो मुझे बिल्कुल किताब का याद आया कि मैंने ये पढ़ा है त्रिलोकीनाथ मंदिर में ये है, अवलोकतेश्वर महादेव की मूर्ति है, तो वहां पे जब आप जाते हो ना, जब आप चीजें कन्फर्म होती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्टअप होता है। तो इसलिए आप हिमाचल प्रदेश जीके को परफेक्ट करने के लिए आप हिमाचल प्रदेश को घूमना भी शुरू कीजिए एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ योर मैप। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर की अगर बात करें तो ये उदयपुर से लगभग जस्ट पीछे से 2-3 किलोमीटर पहले आपका एक लिंक रोड आता है, उस लिंक रोड में अगर आप 3-4 किलोमीटर जाने के बाद आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर आता है और ये तुंड विलेज में है। कौन सी विलेज में? तुंड विलेज एंड दिस इज त्रिलोकीनाथ, एक शिव धाम है और यहाँ पर लॉर्ड अवलोकितेश्वर की मूर्ति है 6 आर्म्स की और इट्स मार्बल स्टैचू। एंड अगर बात करें हम तो अवलोकितेश्वर महादेव, ये इन्हें स्थानीय भाषा में छेंचे सिंह महाराज भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी त्रिलोकीनाथ मंदिर में आपका और ये बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट पेंटेड है एंड इसी त्रिलोकीनाथ मंदिर में आपका जो पौरी फेस्टिवल है अगस्त के महीने में मनाया जाता है जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लोग ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं राइट नाउ, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये मैं लाहौल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एट प्रेजेंट इन केलांग, तो बाहर अगर आपको थोड़ी सी आवाज सुनाई दे रही हो तो ये आवाज है। यहाँ पे लोग जो है फागली महोत्सव मना रहे हैं जिससे पटन वैली में, जिस वैली में सौंगला पीपल है वहां पे इसे कुन कहा जाता है। तो फागली महोत्सव जनरली ये जो है फाल्गुन महीने के आगमन पे ये मनाया जाता है, तो वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए तो त्रिलोकीनाथ मंदिर आपका तुंड विलेज में है और लॉर्ड अवलोकितेश्वर महादेव से संबंधित है और इनकी जो है 6 आर्म्स ग्रेनाइट की मार्बल का स्टैचू है, यहाँ पे मार्बल स्टैचू है और इसे जो है ये फेमस एक शिवधाम के रूप में प्रसिद्ध है। और ये इसकी लोकेशन देखे तो बहुत एक बिल्कुल रॉकी क्लिफ के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो विलेज लैंड बहुत ही ज्यादा प्लेन है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरुकला देवी मंदिर, जो सुहागला के लोगों का इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है, ये उदयपुर में है। उदयपुर वो जगह जिसे प्राचीन समय जो है मृगाल के नाम से जाना जाता था और इसी का नाम चंबा के राजा उदय सिंह ने जो है उदयपुर किया, ठीक है, उनके नाम पर उदयपुर हुआ इसका नामकरण। एंड और यहाँ पर मिरुकला देवी का बहुत भव्य मंदिर है जो प्राचीन समय में महाभारत समय में जो है पांडवों के द्वारा बनाया गया था। तो कहानी इस तरह से है कि पांडवों के सपने में जो है माता मिरुकला देवी आए थे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे उदयपुर में मिरुकला जो मृगाल जगह पे हूँ और आप मेरे लिए वहां पर मंदिर तैयार कीजिए, अन्यथा जो है आपकी जो पहचान है वो जो है उजागर हो जाएगी। तो पांडवों ने इस मंदिर को रातों रात बनाया है और इस मंदिर को भीम के द्वारा जो लाया गया एक बहुत बड़ा विशाल काय देवदार का पेड़ लाया गया था, उसी के द्वारा ही पूरा मंदिर बनाया गया है। यदि आप कभी मिरुकला देवी जाएं तो मिरुकला देवी में आपको बहुत ही भव्य मंदिर ये देखने को मिलेगा। और यदि आप मंदिर में अगर नकाशी की बात करें, जो वुडन वर्क है यहाँ पे, तो वुडन वर्क बिल्कुल ये माना जाता है कि उसमें महाभारत और रामायण का वर्णन किया गया है। और ये मिरुकला देवी मंदिर ये भी माना जाता है कश्मीर के राजा, क्योंकि कश्मीरी कला का एक अद्भुत नमूना है, क्योंकि कश्मीर के राजा आनंद देव की पत्नी के द्वारा इसे जो है इसका जो है बाद में इसका निर्माण किया गया था, तो ये भी माना जाता है। सो दिस इज, और यहाँ पे इस मंदिर की एक और खासियत बात है कि मंदिर के प्रांगण में बाहर एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन ये माना जाता है उस पत्थर के बारे में कि उसे जो है 6-7 लोग ग्रुप में जो है सिर्फ एक छोटी सी इस उंगली के सहारे ही वो इसे उठा सकते हैं। बट यदि कहते हैं कि यदि आप शोर करते हो तो शोर करने से वो पत्थर नहीं उठता है, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो और चाहे जितने मर्जी लोग हो, तो ये भी एक बहुत, और ये माना जाता है कि भीम पत्थर से कहा जाता है। तो आप कभी मिरुकला देवी मंदिर आए जरूर आए तो आप इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। मैंने भी की थी बट मुझसे भी उठाया नहीं गया, तो मुझे ये कहा गया था कि यदि जैसे कोई हल्ला करता है तो उसमें नहीं उठता है, यदि चुपचाप आप बिल्कुल साइलेंटली अगर आप उसे उठाते हो तो वो पत्थर उठ जाता है और एक आदमी से भी उठ जाता है। चलिए मेलों की अगर हम बात करें तो मेले मुख्यतः ये त्रिलोकीनाथ फेयर जो मैंने आपको बताया, जिसे पौरी मेला मनाया जाता है अगस्त सितंबर में, ठीक है, तो ये इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी त्रिलोकीनाथ मंदिर में वर्ष भर आपका जो घी का प्योर दिया बहुत बड़े दिए में जो है जलता रहता है एंड
और आपका इसी वैली में आपका जो कुन फेस्टिवल है जिसे फागली महोत्सव, यहाँ पर लाहौल में किलोंग में उसे फागली महोत्सव कहा जाता है और पटन वैली में उसे कुन के नाम से जाना जाता है, और तो वो भी वहाँ पे मनाया जाता है फाल्गुन महीने के आगमन पे। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें हम तो जनरली कैश क्रॉप्स वो उगाते हैं पोटैटो एंड हॉप्स। पोटैटो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके 1857 में जो मोरेवियन मिशनरीज A.W. हाइड एंड मिस्टर A.W. हाइड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हॉप्स की खेती की बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉप्स की खेती एकमात्र लाहौल स्पीति में ही की जाती है, जनरली लाहौल में की जाती है, और हॉप्स एक ऐसा बेलदार पौधा है जो बियर बनाने के काम आता है, और हॉप्स इससे कॉस्मेटिक में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसके फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉप्स कुट भी लाहौल स्पीति में पैदा, इसकी खेती 1925 से की गई थी एंड कश्मीर से यहाँ पे बीज लाया गया था। अगर हम सीरियल क्रॉप की बात करें तो सीरियल क्रॉप में बार्ले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जौ का, और इसी जौ से ही सत्तू बनाया जाता है, और इसी जौ से ही जो है छंग भी बनाए जाते हैं जो यहाँ की लोकल ड्रिंक है, जिसका जो है जब पूजा में भी इस्तेमाल होता है और स्थानीय लोग इसका सेवपान भी करते हैं। तो ये था आपका, और थोड़ा सा ये बता देते हैं कि पगवांड जनरली एक सेरेमनी होती है जिसमें क्या होता है जो आपका जो संपत्ति है, संपत्ति का बंटवारा किया जाता है उसे पगवांड कहा जाता है, और इसी बुद्धिज्म से रिलेटेड एक गेलुकपा सेक्ट है, तो उसमें माना जाता है कि जो जानवरों का जो बलिदान है उसमें उसकी उसे जो है मना किया गया है। जनरली हम देख रहे हैं जैसे बुद्धिज्म के मेन मेजर जो सेक्ट है आपके, जैसे करगुदपा सेक्ट, निंगमापा सेक्ट, गेलुकपा सेक्ट, ठीक है, तो इस तरह से, और एक जैसे आपका सक्यापा सेक्ट भी है। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है आपका जिसमें हमने ट्राइबल पीपल में सबसे पहले हमने स्वांगला पीपल से कोर्स शुरू किए, तो स्वांगला लोगों के बारे में आपको पता चला होगा। बाकी आपको बार बार इसे लर्न करना है और लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इवेंचुअली क्या है आपको मेंस में आपको खुद ही लिखना है और फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं गद्दी ट्राइब। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपका गद्दी और स्वांगला के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये, तो काफी मोनोटोनस भी हो जाता है कई बार। तो इसी चैप्टर का 12 चैप्टर का सब पार्ट हम आगे लाएंगे, जैसे खामपास इसमें स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो गद्दीज के बारे में देखते हैं, तो गद्दीज जो ट्राइब में है जनरली ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, राठी ये सभी आते हैं, और मेनली गद्दी जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये कौन से रीजन में है, ये है भरमौर रीजन में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एंड जो मेनली जो गद्दी शब्द आया है वो कहाँ से आया है, जो शेफर्ड शब्द आता है, फ्रॉम शेफर्ड शेफर्ड एंड ईव यू, ठीक है, उससे आया है। तो अब अगर हम देखें तो गद्दियों का जो आगमन हुआ जनरली ये माना जाता है कि वो लाहौर से आए थे, जो गद्दी राजपूत है वो लाहौर से आए हैं, और जो ब्राह्मण गद्दी है वो दिल्ली से आए हैं। अगर हम इनके रिलीजन की बात करें, मुख्यतः ये हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और चीफ गॉड की अगर बात करें तो लॉर्ड शिवा इनकी चीफ गॉड है, एंड इसे किलांग जो द्राटी देवता है, ठीक है, किलांग देवता को मानते हैं ये, गुगा देवता है जिनको एनिमल प्रोटेक्टर के रूप में माना जाता है। और इन्हीं का ही एक सेरेमनी होती है टॉन्चर, जिसको आपका जब मुंडन होता है बालों का, ठीक है, बच्चे का मुंडन करते हैं इनको जाठू कहते हैं, जाठू। तो अगर हम देखें तो गाहर गद्दियों के द्वारा एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है गाहर, तो गाहर एक अल्पाइन पास्चर्स होते हैं हाइट पर जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, ठीक है, घास के मैदान है, जो जनरली पतझड़ में इनको अपनी भेड़ बकरी को वहां पर चराते हैं उसे गाहर कहा जाता है। और भरमौर का जो कैलाश है, ठीक है, उसे थ्रोन ऑफ गॉड शिवा माना जाता है, और क्योंकि आप माउंट कैलाश भी देखें वहीं पर आपका आपकी जो आपके मणिमहेश है, ठीक है, मणिमहेश झील भी है, लॉर्ड शिवा तो ये प्रिंसिपल गॉड ऑफ गद्दीज हैं। और गद्रेन और गधेरन कहा जाता है, तो ये क्या होते हैं कि वो उस जगह को ये नाम दिया जाता है जहां पर गद्दी जो है रहते हैं। और गद्दी ब्राह्मणों की अगर बात करें, जो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि गद्दी ब्राह्मण ये जनरली दिल्ली से आए थे, और ये कब आए थे, जब दिल्ली से आए लगभग 780 से 800 ईस्वी के आसपास, और उस समय चंबा के राजा कौन थे, राजा अजय वर्मन। तो चंबा के राजा अजय वर्मन के समय जो है गद्दी ब्राह्मणों का आगमन कहां से हुआ, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन में, भरमौर रीजन में। और कुछ सॉन्ग भी गाए जाते हैं जैसे उजड़िया लाहौर अटे वसा ब्राह्मण मौर्य, ठीक है, इस तरह से कुछ लोकल डायलेक्ट्स में भी है। तो यदि हम बात करें राजा संसारचंद, जो कांगड़ा के एक बहुत फेमस किंग रहे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि कांगड़ा के एक गोल्डन हिस्टोरिकल गोल्डन पीरियड रहा है राजा संसारचंद के समय, जो अपने पिता टेकचंद की मृत्यु के बाद 1775 में राजा बने और लगभग 1823-24 तक ये जो है सिंहासन पर रहे। और तो ये चंबा की जो फेमस जो गद्दी गर्ल थी नकुनोखू, तो उसके उसके साथ इन्हें ये जो है इनका जो परिवार जो माना जाता है, क्योंकि उसके नकु गद्दी के ये प्यार में पड़े थे।
और लोकल जो लोग हैं ये वहाँ के चंबा के, तो गद्दियों को मित्रा के नाम से पुकारते हैं, तो मित्रा शब्द भी गद्दियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो राजा संसार चंद की अगर बात करें तो राजा संसार चंद, जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ेंगे, गुरखास वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर भी राजा संसार चंद का वर्णन आएगा, क्योंकि राजा संसार चंद जैसे गद्दी पर बैठे, क्योंकि कांगड़ा गद्दी पर बैठे, इन्होंने सबसे पहले मंडी पर अटैक किया 1792 में। मंडी से इन्होंने ईश्वरी सेन, जो मंडी के राजा थे, उनको अपने उनके भाई जालिम सेन के साथ पकड़कर वहां से जो है उनको नादौन में जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें बिलासपुर पर अटैक किया, बिलासपुर के राजा थे उस समय महानचंद, ठीक है। जब अटैक किया तो महानचंद की सहायता करने सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश भी आए, वो युद्ध में मारे गए। राजा संसार चंद की हेल्प किसने की, जो उस समय आपके जो हिंडूर के राजा रामशरण सिंह थे, उन्होंने हेल्प की। तो इस तरह से ये बहुत उन्हें लूटपाट की, लगभग घुमारवी तक के एरिया जो है राजा संसार चंद के कब्जे में आए, और राजा संसार चंद ने जो है आपकी घुमारवी वहां पे छिंझारधार पर जो है बिलासपुर छिंझारधार पर छातीपुर किले का निर्माण किया था अपनी विजय की उसमें। फिर बाद में क्या हुआ, महानचंद ने गोरखों से सहायता ली, अमर सिंह थापा आए, संसार चंद को 1805 और 6 में हराया। पांच में क्या हुआ, पांच में तो संसार चंद ने गोरखों की सेनाओं को हराया महलबोरिया में, और एक संधि हुई तो सतलुज नदी के पार रहने को मजबूर किया गोरखों को। बट इन बिटवीन क्या हुआ, संसार चंद ने फिर से अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे गोरखों को इस बात का पता चला कि अभी जो शांति समझौता है का उल्लंघन हो रहा है, तो उन्होंने 1806 में फिर से महलबोरिया में अटैक किया। फिर इसके बाद 1806 से 1809 तक ये जो पहले नादौन गया, नादौन के बाद फिर कांगड़ा किले में शरण ली। कांगड़ा किले में 1809 में फाइनल निकलकर ज्वालामुखी संधि की किसके साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों को हराया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि राजा संसार चंद को मेनली क्या हुआ था, क्योंकि प्लेन्स में उनको सफलता मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने क्या अपना जो अटैक रखा, वो जो हिल स्टेट्स थे आज, जैसे अपने कांगड़ा पर अटैक किया, गुलेर पर अटैक किया, सॉरी कांगड़ा गुलेर पर अटैक किया, नूरपुर, ठीक है, आपका मंडी रियासत के ऊपर किया, सुकेत रियासत के ऊपर किया, बिलासपुर रियासत के जो कहलू रियासत थी पहले, तो उस वजह से क्या हो गया, सारे हिल रूलर्स जो है एक साथ मिल गए और उन्हें गोरखों को इनवाइट दिया, और उसके बाद राजा संसार चंद को हार का सामना करना पड़ा। और इसी राजा संसार चंद जो है चंबा के राजा राज सिंह थे, उनको नेटी शाहपुर युद्ध में जो है हराया, और वहां पे जो है चंबा के राजा राज सिंह की हत्या कर दी थी। तो ये भी चंबा के इतिहास है। तो जैसे जैसे हम चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ेंगे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास पढ़ेंगे, तो बार बार अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चंबा का भी मेंशन होगा, चंबा रियासत का। जब चंबा रियासत का इतिहास पढ़ेंगे तो कांगड़ा रियासत का भी मेंशन होगा इतिहास। तो इस तरह से ही आपको कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है हिस्ट्री लर्न करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज बहुत आप एक डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप मान लीजिए आपने मंडी डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पढ़ ली है, उसके बाद आप चंबा डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको लगेगा कि मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री है मैं कुछ अब भूलता जा रहा हूँ। लेकिन आपको को रिलेट करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंडी से ही चंबा का संबंध भी है। क्योंकि चंबा के राजा अगर आप मूषण वर्मा की बात करें, जिन्होंने चूहों को मारने पे प्रतिबंध लगा दिया था, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं मंडी से है, क्योंकि मंडी के राजा ने ही उनकी हेल्प की थी अपना राजा वापस गेन करने में। तो इस तरह से हम जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑक्यूपेशन की अगर बात करें, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो भेड़ों और बकरियों को चराना है, ठीक है, ये रेयर करते हैं। और पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें भी जो गद्दी का शब्द आया उसमें, तो गद्दी का शब्द मेनली वो इन्हीं गद्दी जनजाति के लिए था, तो उनका मेंशन हुआ है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन धर्म की। अगर बात करें तो बेसिकली ऑल द गद्दीज ऑफ जो चंबा ब्रह्मा ओरिजिन के, दे आर हिंदुइज्म को अपनाते हैं, और ये इसमें शिव को जो है प्रथम स्थान देते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, ये चीफ गॉड इनके लॉर्ड शिवा ही है। अगर अन्य देव देवताओं की अगर बात करें तो उनका भी वो मानते हैं, तो उसमें औतर, केलांग, गुग्गा, ये सभी प्रमुख हैं। तो कुगा को जनरली ये जो है एक पशुओं की रक्षा करने वाला देवता के रूप में मानते हैं। औतर को मानते हैं तो औतर को ये स्पिरिट ऑफ एन इशुलेस पर्सन मानते हैं। केलांग की अगर बात करें तो किंग ऑफ ऑल स्नेक्स मानते हैं, ठीक है। गुग्गा कैटल प्रोटेक्टर। अगर हम गद्दीज की बात करें तो ये राक्षसों, यक्ष, जोगिनी, वीर, सिद्ध, केतरपाल, इन सब में विश्वास करते हैं, ठीक है। जिसमें जो बैताल और बतालू कहते हैं तो उसको स्पिरिट ऑफ रिवर्स एंड स्प्रिंग्स मानते हैं। दे ऑल्सो बिलीव इन सती वर्शिपिंग में भी मानते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का कौन से जनजातीय लोग, ठीक है, निम्न में से कौन से जनजातीय लोग जो है सती वर्शिपिंग को बिलीव करते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा जैसे स्वांगला, आपके सिप्पी, गद्दीज, ठीक है, इस तरह से। तो आपको आपने गद्दी में पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। ढेरडीज, स्मॉल इनके टेम्पल, जो छोटे छोटे टेम्पल है उनके ढेरडीज कहा जाता है। और गदरन क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा, गदरन जहाँ पे ये गद्दीज लोग रहते हैं। और गद्दियों में ये मान लीजिए लेपर, जिसको कोड हो जाता है, उसे जो है ये क्या करते हैं, ये जलाते नहीं, उसे क्या करते हैं, उसे दफना देते हैं, बरीड कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैरिज सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी ट्राइबल पीपल के आपको मैरिज सिस्टम याद रखने हैं। गद्दियों में मुख्यतः पांच टाइप की शादियां मनाते हैं ये। सबसे पहले इलॉपमेंट,
जिसको जिंद फुक और बरार फुक भी कहा जाता है, जिंद फुक और बरार फुक मैरिज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लव मैरिज है, ये एक टाइप की लव मैरिज की फॉर्म है, और इसमें 8 टाइम जो है जैसे लकड़ी को जो है झाड़ी जूड़ी को घास फूस को आग लगा के जो है 8 फेरे उसके चारों ली जाते हैं, उसे कहा जाता है जिंद फुक और बरार फुक शादी। झंझराड़ा, तो झंझराड़ा वो फर्स्ट फॉर्म है शादी की जिसमें क्या होता है सभी का एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल, सभी के परामर्श के बाद ही जो है शादी जो है परफॉर्म की जाती है, उसे कहते हैं झंझराड़ा। जो जिंद फुक बरार फुक है वो एक टाइप ऑफ लव मैरिज है जो खुद ही जो है दो लोग आपस में करते हैं और उसमें जो है अदर लोगों की परमिशन नहीं ली जाती है। थर्ड फॉर्म अगर बात करें तो घर जवंतरी, घर जवंतरी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि लगभग जो जो उसे जो है 2 से 8 साल तक, तो लगभग 2 से 8 साल तक उसे जो है लड़की के घर पे ही रहना पड़ता है, तो इस तरह से घर जवंतरी शादी माना जाता है, उसे घर जवंतरी रहते हैं। बाटा साटा वेरी फेमस, इस बाटा साटा शादी में क्या होता है जो गद्दी जो क्या करती है जैसे सिस्टर्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, शादी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल किसी की अगर शादी होती है तो वो अपने बहन जो है दूसरे को देगा और उसकी बहन के साथ खुद शादी करेगा, बाटा साटा। ठीक है, गद्दीज मैरिज है। दानपून मैरिज, तो एक फॉर्म दानपून मैरिज भी है। ठीक है, और बोलते हैं कि पॉलीगेमी इज नॉट अलाउड अंटिल वाइफ इज डेड। पॉलीगेमी मतलब बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह तब प्रथा को जाए तब तक मान्यता नहीं मिलती जब तक कि जो प्रेजेंट वाइफ है वो उसकी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु होगी उसके बाद वो दूसरी पत्नी ला सकता है। और भी डाइवोर्स अगर देखें, तलाक, अगर तलाक प्रथा की बात करें तो तलाक में देखें तो धुआ घर करी लेवाहा, ये एक सेंटेंस कहा जाता है कि प्रथा है जिसमें क्या होता है, इसमें ये माना जाता है कि वाइफ को अलाउ किया जाता है कि ठीक है आप जो है दूसरे हस्बैंड के साथ आप सेटल हो सकते हैं। दूसरा है चुरित छड़ी दीती है का मतलब होता है, पर इस प्रथा का मतलब ये है कि भाई अपनी वाइफ को जो है सेटल अलाउ करना दूसरे के साथ, ठीक है, सेटल होने के लिए। तीसरी फॉर्म है फरगटी दी थेटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई किसी एग्रीमेंट के साथ जिससे पहले जो है तलाक हो गया हो उसके बाद वो उसी अपनी वाइफ के साथ जो है फिर से शादी कर सकता है, तो ये होता है फरगटी दी थेटी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की। तो बैशाखी फेस्टिवल जिसे बिसु भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ बैशाख मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, और इसे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिंजर मेला जुलाई और अगस्त में, जुलाई में भी और अगस्त के फर्स्ट संडे को ही मनाया जाता है। और मिंजर मेले का ही संबंध आपके राजा साहिल वर्मन से है, क्योंकि साहिल वर्मन 920 ईस्वी में जिन्होंने जो है अपनी पुत्र चंपावती के नाम पे चंबा टाउन की स्थापना की। और मिंजर का संबंध राजा साहिल वर्मन से भी और प्रताप सिंह वर्मन से भी है। तो ये मानते हैं कि साहिल वर्मन जब कांगड़ा और नूरपुर की सेनाओं को हराया था, उसके बाद जीतने के बाद जब वापस आए थे तो मिंजर देकर उनका स्वागत किया था। ठीक है, और कीरों को हराया था उन्होंने। उस तरह से प्रताप सिंह वर्मन से भी रिलेटेड है ये, कि प्रताप सिंह वर्मन ने भी जब विजय पाकर जब वो दुश्मनों को हरा के अपने राजा लौटे थे तो उसमें जो है मिंजर अशरफी पेंट भेंट की थी, तो उस याद में जो है मिंजर मेला मनाया जाता है। तो इसमें भी जो है अखंड चंडी महल से जो है आपकी जो यात्रा है शोभा यात्रा वो निकलती है, और उसके बाद रावी किनारे पर जो है मिंजर का प्रवाह किया जाता है। इस तरह से चलिए डिस्ट्रिक्ट चंबा में और डिटेल में पढ़ेंगे। सैर फेस्टिवल मनाया जाता है सेप्टेम्बर अक्टूबर में। ठीक है, पतरोड़ू संग्रांत यहाँ पे मनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगस्त सितंबर में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि पतरोड़ू संग्रांत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो इट्स इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में अगर बात करें तो गद्दियों का ही ये ब्रह्मभरमौर में। मणिमहेश यात्रा अगस्त में जो लगती है, मणिमहेश जो झील है, झील के किनारे आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी से यात्रा शुरू होती है और राधाष्टमी पे वो खत्म होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि राजा मेरु वर्मन के समय जब चरपटनाथ योगी आए थे वहां पे, तो उन्होंने जो है अपने साधु बंधुओं के साथ जो है उस झील के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। और उसके बाद ये प्रथा थी कि हर साल वो जो है मणिमहेश यात्रा करके जो है हर साल वहां पर जो है उस लिंग पर वो दूध और पानी चढ़ाते थे। ये संबंध है। लोहड़ी की अगर बात करें, लोहड़ी आपका लोहड़ी मनाते हैं, ठीक है, शिवरात्रि मनाते हैं भरमौर के लोग, होली मनाते हैं, दशहरा एंड जन्माष्टमी भी मनाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः फेस्टिवल्स हैं त्यौहार और जो मेले हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के गद्दियों के, खासकर क्योंकि गद्दी हम पढ़ रहे हैं गद्दियों के बारे में। ड्रेस की अगर बात करें तो चोला इंडोरा फेमस ड्रेस है किसकी, गद्दी ट्राइब की। ठीक है, बुशहरी कैप, ठीक है, और उसमें ऊपर क्या लगते हैं कलगी फ्लावर, ठीक है, फूल जो लगे तो उसे कलगी कहा जाता है, कलगी फ्लावर्स ऑन देयर टर्बन्स, जो उनके जो टर्बन्स होती है। चादरू पहना जाता है किसके द्वारा, जो गद्दन औरतें होती है, ठीक है, अपने सिर को से ढकती है वो। ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो ब्रेकफास्ट को द टेलू और नुहारी कहा जाता है। ठीक है, लंच की अगर बात करें, लंच को कलार कहा जाता है। डिनर की बात करते तो बैली भी कहा जाता है, बैली और जगह भी कहा जाता है बैड़ी। ठीक है, द टेलू और नुहारी, कलार और बैड़ी। ठीक है, लोकल लिकर की अगर बात करें तो सुर और झोल कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गद्दी जनजातियों की जो लोकल शराब होती है उसे क्या कहा जाता है, या तो सुर कहा जाता है या फिर उसे झोल कहा जाता है। गद्दी और भी देखें तो गद्दी लोग जनरली ये क्या है, ये सेमी नोमैडिक है,
सेमी पास्टोरल है, सेमी एग्रीकल्चरलिस्ट ट्राइब है, बट मेजर जो इनका फोकस है वो किसके ऊपर है, वो आपका बकरियां और भेड़ और बकरियों को रियर करना है। चलिए तो दिस वॉज अबाउट जिसमें हमने देखा आज के चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 12 का ये सब पार्ट था, तो इसमें हमने स्वांगला और गद्दियों के बारे में डिटेल में पढ़ा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें आपको ये चैप्टर कैसा लगा, एंड यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड आप बने रहिए क्योंकि 12 जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट नहीं होगा, इसमें सारे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर की हेडिंग में चैप्टर नंबर 12 भी होगा और आगे मैंने उसमें लिखा होगा ट्राइब्स, तो इस तरह से जैसे स्वांगलास अभी वाले इसमें हेडिंग होगी चैप्टर नंबर 12 मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वांगलास एंड गद्दीज, इस तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर टिल एंड।